शरमंद चारूका इधर जिला कीचे नौदरबरानी वस्ता बाज वशी आले के डॉक्टर्स एकेडमी क्वेटे तुर्बते तुका इधर कैंपस पचकनक बुत्ता और डॉक्टर मनोज कुमार जैन क्वेटा चे दात का तुर्बता इधर एकेडमी ये कारा चारो टपास कनक चार गाय थी ओ खासकर अमा मर्दम के आ डॉक्टरी फील्डर लोटन थी अमा नोदर पर ओ वो मकरान मेडिकल कॉलेज भी तुर्बत भी बीती यके बोलान मेडिकल क्वेटा भी बीती यके ये देखे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस व्यवस्था के दाखिले व्यवस्था एंट्री टेस्ट तैयारी अलमी ये रहता इन नोदरबरानी आसराती व्यवस्था इधर तुर्बता डॉक्टर्स एकेडमी कैंपस इधर पच कनक बुता ये रहता अनु मेघुमा अमरादारी कनक है डॉक्टर मनोज कुमारी जैन तुर्बत शार तो कदर साड़ी मायर जोस्त कने के आई क्लासेस कदी बेंदात बनते हैं तो ये रहता अच्छी कुछ है। ऐसा वाले सर ये पहली बात हमें ये बताएं कि ये तुर्बत में कैंपस खोलने का आपको आइडिया कैसे आया? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें वेलकम किया, बहुत खुशी हुई इस सरजमीन पे आके। और ख्याल तो थोड़ा सा माइंड में पहले से था, लेकिन जो स्टूडेंट के मसाइल हम देख रहे हैं, तुर्बत का स्टूडेंट हो या मकरान बेल्ट में पंजगूर या कहीं के स्टूडेंट हो, वो जब क्वेटा आते हैं तैयारी तो हमारे पास ही करते हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस वो बियर करते हैं वो तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि 6 माह की जो स्टडी होती है उसमें एक बहुत बड़ा ख़र्चा। एकेडमी फ़ीस तो चलो एक अंसर है ही है, लेकिन उसके साथ हॉस्टल में रिहाइश है, अकोमोडेशन के साथ साथ खाने पीने के अखराजात हैं, इंसान है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ रिलेटेड है, बीमारी सीमारी है। तो इस मद में वो हमें लगता था कि वो एंट्री टेस्ट के लिए 1.5 लाख से कुछ ऊपर की रकम ही दे रहे हैं। तो हमने उन मसाइल को, फिर हॉस्टल में उनको वो इन्वायरमेंट मिलना वो मुश्किल था, हमने सोचा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो पिछले 5 साल से क्वेटा में कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे हो रही हैं, तो अब हम उसको तुर्बत या दूसरी जगहों पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो करंटली हमने सोचा हुआ है कि 4 जगहों पे हम कैंपसेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हब चौकी भी है और तुर्बत है, और इसमें हमने ग्वादर कैंपस की तरफ भी हम गए हैं और साथ साथ लोरेलाई कैंपस, इसको हम और भी इंशाल्लाह आगे एक्सटेंड करेंगे। तो इनिशियल फेज़ में हमारा इस तरीके से एक सोच बनी कि हमने यहाँ स्टार्ट लेना है। तरीकार तो टोटली ऑनलाइन भी हमने कर दिया है, अगर स्टूडेंट ख़ुद कर सकता है तो वो हमारी जो एकेडमी की वेबसाइट है उसके ज़रिए भी कर सकता है, अदरवाइज़ अगर उनको कोई मुश्किलात हैं तो यहाँ जो कैंपस है इस वक्त वो बिल्ड हो रहा है उसमें भी आके मोहम्मद हयात साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो एज अ मैनेजर हैं, वो कर सकते हैं। एडमिशन्स स्टार्ट हैं इस वक्त करंटली, क्लास हमारा इरादा है 15 दिसंबर तक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। साल में हम 2 बैचेस शुरू करते हैं, एक 15 दिसंबर और एक मई में या जून में, जब भी वो एग्ज़ाम हो जाते हैं बच्चों के तो उसके बाद वो आ सकते हैं। तो करंटली ये है। तरीकार तो टोटली ऑनलाइन भी हमने कर दिया है, अगर स्टूडेंट ख़ुद कर सकता है तो वो हमारी जो एकेडमी की वेबसाइट है उसके ज़रिए भी कर सकता है, अदरवाइज़ अगर उनको कोई मुश्किलात हैं तो यहाँ जो कैंपस है इस वक्त वो बिल्ड हो रहा है उसमें भी आके मोहम्मद हयात साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो एज़ अ मैनेजर हैं, वो कर सकते हैं। एडमिशन्स स्टार्ट हैं इस वक्त करंटली, क्लास हमारा इरादा है 15 दिसंबर तक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। साल में हम 2 बैचेस शुरू करते हैं, एक 15 दिसंबर और एक मई में या जून में, जब भी वो एग्ज़ाम हो जाते हैं बच्चों के तो उसके बाद वो आ सकते हैं। तो करंटली ये है, फिर आगे एक्सटेंशन की तरफ भी हम इंशाल्लाह के 9th-10th क्लासेस हैं, फर्स्ट ईयर क्लासेस हैं, उस तरफ भी हम इंशाल्लाह जा सकते हैं। क्लासेस की जहाँ तक बात करें तो करंटली हमारा फोकस सिर्फ है मेडिकल एंट्री टेस्ट की क्लासेस, जो BMC और दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के उसमें स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उस एंट्री टेस्ट की, वो करंटली इसमें। लेकिन क्योंकि कोर्स इनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का होता है तो जिन बच्चों की FSC में प्रॉब्लम है वो भी इसी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। करंटली हम 1-2 बैचेस इसके चलाएंगे और उसके बाद हम जो है एक्सटेंड करेंगे, 9th-10th से क्लासेस भी होंगी, लेकिन उसमें हमें तकरीबन समझें 1 साल का अर्सा दरकार है। 9th-10th हो गया, FSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पर्टिकुलरली उसको फोकस करेंगे। करंटली हम यहाँ पे एंट्री टेस्ट शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक आपने मेल और फीमेल की बात की तो यहाँ पर तो रोशन ख्याल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो सिस्टम तो चलता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ का मामला होगा, हम उम्मीद करते हैं काफ़ी सारे जो तुर्बत के और जो गिरदोनवा के स्टूडेंट्स हैं वो भी आएंगे, तो उसके हवाले से हमने करंटली 2 हॉल जो हैं वो बनाए हैं जिसमें एक मेल हॉल होगा और एक फीमेल हॉल होगा। उनकी क्लासेस जो हैं वो उन्हीं के जगहों पर अलग से हो रही होंगी, लेकिन उनकी टाइमिंग सिमिलर होगी क्योंकि हम इसको ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स टाइमिंग के हिसाब से ना हो इसलिए टाइमिंग एक है, हॉल उनके जो है अलग अलग होंगे।
मेडिकल का शोबा मेहनत बहुत मांगता है, इसमें कोई शक नहीं, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही डिप्रेसिंग है स्टूडेंट्स के लिए। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि स्टूडेंट को एजुकेशनली यहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। एक तो मैं अथॉरिटीज़ से, जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जो एम डी कैट की तैयारी के बाद वो जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करें। टेस्ट के हवाले से सिलेबस दिया जाता है, सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन दिए जाते हैं, या तो आप सिलेबस दो ही ना और स्टूडेंट कहो कि आप पूरी तैयारी कर लो। हमारे स्टूडेंट इतने टैलेंटेड हैं, काबिल हैं कि वो पूरी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जब उनको सिलेबस में उलझा दिया जाता है, वो बेचारे सिलेबस के टॉपिक तैयार करते हैं और उनके अलावा जो है वो सवाल आ जाते हैं, तो बेचारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आंसर कीज़ में प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उसको टेस्ट होने से पहले ही वेरीफाई कर लिया करें। तो ये इश्यूज़ तो हैं। जहाँ तक पैगाम की बात की, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस मकरान बेल्ट के, उनको मेरा पैगाम, बल्कि तमाम स्टूडेंट जितने भी पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ये पैगाम रहेगा कि मेहनत करें, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फील्ड लंबी ज़रूर है, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं, एक नोबल पेशा है, आप पेशेंट्स के लिए उनकी खिदमत कर सकते हो, और आपके इलाकों में बहुत ज़रूरत है। जो बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो ये इलाके हैं, यहाँ पर पेशेंट्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो लावारिस पड़े हुए हैं। तो इनकी बहुत, इनको आपके फ्यूचर के हिसाब से आपकी बड़ी ज़रूरत है। मेहनत करें, एक जगह पर पहुँचें, और इंशाल्लाह जो है वो अपना भी नाम रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें, और इस तरीके से आप हमारा नाम भी रोशन करते हैं। हम तो हमारी कमाई स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए ये कि स्टूडेंट ऑब्लाइज करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और अपना नाम रोशन जब कर रहे होते हैं, समझे हमारा नाम रोशन हो रहा होता है। बाज वशें के आले केदा मौली अब्दुल हक मोहल्ला एदा सराला बाजार के गुलाम नबी पंपे बिल्कुल नज़दीक का ये अकेडमी जोड़ कनक बुद्धा आज नौ दरबरे के मेडिकल शोभा राव लूटते आए दात का उती दाखिले वस्ता और डॉक्टर मनोज कुमार के रहा उती वाना का पर्चादाश्त। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।